अस्सलाम वालेकुम हम साहब, एक क्वेश्चन था। अब मोहल्ले की एक लड़की को शादी करके देते, मोहल्ले की लड़की को शादी करने के बाद वो अचानक विवाह हो जाती। अब वो इसको सपोर्ट करेंगे, वो तो मेरी बीवी राजी नहीं रहती, उसे शादी करेंगे वो तो मेरी बीवी राजी नहीं। अब वो विवाह को जिम्मेदार कौन और कौन उसके उसको देखना, बाल बच्चे है उसके, कोई उसके खर्चात है, उसके जरूरत है, कौन पूरे करना। छोटी उम्र में विवाह हो गई, एक बच्चा था, दो बच्चा था, बच्चा भी नहीं समझो, उसके माँ बाप छोड़ दिए, न है, या इस सिलसिले से सवाल है मेरा आपका से। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह कफा वस्सलामु अला इबादिल्लज़ीन इस्तफा अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि सलीमिन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الساعي على الأرمة والمسكينة الساعي على الأرمة والمسكينة كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار رواه البخاري। हमारे भाई साहब ने बहुत बेहतरीन सवाल किया है कि विवाहों के ताल्लुक से, कि एक आदमी शादी करता है, अब वो औरत विवाह जाती है, उसका शौहर इंतकाल कर जाता है, उसकी देख रेख कौन करना जी। पहले उसकी देख रेख करने के बारे में आइए हदीस की रोशनी में समझ लेते हैं जी। कि हदीस की रोशनी में अल्लाह का हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवाओं की देख रेख करने वाला और मिस्कीन की देख करने वाला मुजाहिद की तरह है, जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है जी। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है। जिहाद माने क्या होता है सब? जिहाद माने बताता हूँ आपको, जिहाद माने या रात भर कयाम करने के बराबर जी जी जी, दिन भर रोजा रखने के बराबर। दो चीजें जिक्र हो रही है, एक तो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह जी, और एक रात भर कयाम करने के बराबर जी। तीसरी चीज क्या? रोजा रखने के बराबर, दिन में रोजा रखता है इंसान, उसके बराबर सवाब है अगर कोई बेवा औरत का देखभाल करता है तो जी। ये तीन फजीलतें बयान की गई है। जिहाद जो है, देखिए, कोशिश करना अल्लाह के रास्ते में, कोशिश करना कि अल्लाह का कलमा बुलंद हो, बहुत सारे मफहूम उसके, बहुत लंबा चौड़ा मफहूम है जी जी जी। तो उसमें हम जानना चाहते हैं, बहरहाल विवाह के ताल्लुक से हमारा बात है जी जी। जब उस टॉपिक पे हम आएंगे इंशाल्लाह बात इंशाल्लाह अच्छी बात है। पहले हम विवाहों के ताल्लुक से जी इंशाल्लाह। तो विवाह जो है, जिसका शोहर मर जाता है वो औरत विवाह हो जाती है जी। अब उसकी फजीलत बयान की हदीस में कि मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है अल्लाह के कलमे बुलंद करने के लिए, उतना बड़ा सवाब है। या तो रात भर कयाम, कयाम मतलब ये तहज्जुद पढ़ना, यानी कोई आदमी तहज्जुद पढ़ता है रात भर, कयाम करता नाफिल पढ़ता है, उसके बराबर सवाब उसको मिलता है। या दिन में आदमी रोजा रखता है, उसके बराबर सवाब मिलता है जी। इसकी मिसाल देता हूँ जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी नहीं बनाए गए जी, नबी नहीं बनाए गए, नबी आपको नहीं बनाया गया, अभी आपकी उम्र 25 साल है जी, आपने सबसे पहले निकाह हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से किया, जो बेवा औरत थी, जिनके दो शौहर इंतकाल कर गए, अल्लाह अकबर, दो शौहर की बेवा थी वो, यानी दो शौहर छोड़ दिए, समझ लो दुनिया से चले गए या तलाक हो गया जी, लेकिन बेवा हो गया। अल्लाह के नबी की उम्र कितनी? 25 साल जी। और हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की उम्र 40 साल जी। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की उनसे, निकाह की बेवा से, क्योंकि उस जमाने में अरबों के यहाँ क्या दस्तूर था, कोई औरत अगर कोई औरत का शौहर मर जाता तो क्या हुआ, किस सौतीले बेटे से शादी कर लेते, कोई जबरदस्ती शादी कर लेता, माल दौलत वाली रहती, खूबसूरत रहती, खूबसूरत नहीं रहती तो उसे शादी नहीं करने देते थे, रोक करके रखते थे काय तक कि कोई प्रॉपर्टी और जो है उसके जायदाद का वो दूसरा वारिस न बन बैठे जी, है ना, बात को समझ रहे ना जी। तो इसीलिए अल्लाह के नबी ने बेवा औरत से शादी किया, और आपने 11 जो लगभग शादियां की ना जी, उनमें से एक कुंवारी थी जी, आयशा रज़ियल्लाहु तआला कुंवारी थी जी जी जी, बाकी सब बेवा थी जी, पूरी बेवा थी जी। तो अल्लाह के नबी ने शादी करके घर बसाया बेवाओं को जी। अब हमारे जमाने में जो बेवाएं हैं, जैसे हमारी मान लो एक शादी हो गई, अब हमें चाहते कि बेवा औरत से शादी कर लें, तो हमारी औरत रोकती है जी, जी हमारी बीवी रोकती है, न को बा न को लाओ न को प्रॉपर्टी में हिस्सा जायदाद में कौन देगा, इसको बंटवारा कौन करेगा,
हालांकि ये गलत फहमी है जी, ये गलत फहमी है और ये जहालत है जी, ये जाहिलों वाला काम है जी, क्योंकि ये जाहिलियत में काम होता था जी जी जी, है ना। अब वो ये हो रहा है तो जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी ने करके बताया, तो इसलिए औरतों को नहीं रोकना चाहिए जी, है औरतों को नहीं रोकना चाहिए। औरत का हक नहीं बनता कि मर्द को शादी करने विवाह से रोके, अगर वो रोकती है तो हो सकता गुनाहगार हो जाए, उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही। क्यों? एक विवाह औरत का जो है उसका भी हक है जिंदगी जीने का, उसकी ख्वाहिशात होती है जी, उसकी आरजुएं होती हैं जी, उसको पूरा करने के लिए कौन पूरा करेगा जी, जब शादी होगी तभी पूरी होगी उसकी। अब देख रेख करने की बात जहाँ होती है, देखिए यहाँ हमारे यहाँ इस्लामिक कंट्री नहीं है, हमें जो जहाँ रहे हिंदुस्तान के हिसाब से बात है, हिंदुस्तान के हिसाब से बात कर, तो यहाँ जमात और जमीयत की बात है जी, जमात के अमीर हैं, जमात के सदर हैं, जमात के सेक्रेटरी हैं, खजांची हैं जी, तो इन सब की जिम्मेदारी बढ़ती है जी, कि जो बेवा औरत है उसका जो है निकाह कराएं जी जी, उसकी शादी कराएं किसी अच्छे मर्द से जी, और उसकी देखभाल जब तक शादी नहीं होती है तो ये जमात और जमीयत की जिम्मेदारी बनती है, तो उसको खाने का राशन का जो भी जरूरियात है उसकी पूरी करें, ये हक बनता है। अब तक मैं काम भी देखा नहीं, उस जगह में बेवाओं को मदद करते हैं, अड़ोस पड़ोस में मस्जिद है करेक्ट, दो तीन घर के बाद मस्जिद है, और कोई भी ऐसा मैं उनको इंक्वायरी भी करा जो बेवाओं को मैं मदद करने जाता हूँ ना, वहाँ इंक्वायरी भी करी, इधर मस्जिद नजदीक है कोई भी थोड़ा मदद करते क्या, तो कुछ को भी देखते नहीं पा, बोल के बोलते हैं सब तुम्हारा इसके रिलेटेड क्या है कहना, तो ये हमारी बहुत बड़ी गलत है जी जी जी, हमें जो इस्लाम कहता है उससे हम हटे हुए जी, अब हमें क्या करें, गलत काम कर रहे हैं। एक बेवा औरत जिसको जरूरत है राशन की पानी की हर चीज की जरूरत है, उसको उसका शौहर नहीं है, उसका कौन भी कमाने वाला नहीं है, तो हमें उसकी जिम्मेदार है, अगर हम जिम्मेदारी नहीं निभाते हैं तो हमारी पकड़ होगी, अल्लाह ताला पकड़ेगा, कहीं उनसे पूछेगा तुम्हारा पड़ोसी भूखा था मुझे खाना नहीं खिलाया, आदमी कहेगा अल्लाह ताला तू कैसे भूखा रहता जी, तू कैसे भूखा हो सकता, अल्लाह कहेगा मेरा फला बंदा पड़ोस में था, अब वो भूखा था तूने खाना नहीं दिया, जबकि खाना खिलाने का इस्लाम में इस्लाम करार दिया गया जी, अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बेहतर इस्लाम क्या है, आपने फरमाया कि मिस्कीनों को खाना खिलाना, अब मिस्कीन जो है गरीब में वो भी आती है बेवा जी, वो भी आती है क्योंकि उसका कौन भी कमाने वाला नहीं, वो गरीब हो गई बेचारी, अब वो दुखों से मुसीबतों से ऐसे जो है तो शौहर चला गया दुनिया से, एक तो उसकी मुसीबत के पहाड़ टूट गए सर पे रखा हुआ है, दूसरे उसको कोई कमाने वाला नहीं, कोई जरिया नहीं कि कमा सके, उसके माल दौलत नहीं है, पैसा नहीं है, अब वो मोहताज, इसलिए हमें उसको मदद करने की जरूरत है, और मदद करने की जिम्मेदारी देखिए सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, जमात जमीयत के जिम्मेदार हैं, और अगर मान लो जमात जमीयत नहीं काम कर रही है जी जी जी, तो समझ लो नहीं कर रही है, साहब मैं देखा ना कुछ लोग ख्याल रखते हैं जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर ऐसे लोग भी हैं जो बेवाओं का मिस्कीनों का बगैर बताए देते हैं, नाम बताए जी जी देते हैं, ख्याल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जी, आपको बहुत कम मिलेंगे जी, तो बेवाओं का अगर मान लो जमात के सदर सेक्रेटरी या जो भी जिम्मेदार हैं अगर वो देखने मिलते हैं, तो जो मुस्लिम सोसाइटी के लोग हैं बड़े लोग हैं मालदार सौकार लोग हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी होती है जी, अल्लाह ताला क़यामत दिन पूछेगा तुमको मैंने माल दिया था तो माल कहाँ से कमाए कहाँ खर्च किया, एक सवाल ये भी होगा माल के बारे में, अगर हम माल अपना वहाँ खर्च कर रहे हैं विवाह की देख रेख में लगा रहे हैं और उसको दे रहे हैं तो हमारा माल सही तरीके से खर्च हो रहा है जी, अगर हमारा माल गुटखा खाने में बीड़ी पीने में सिगरेट पीने में तब ये सारी चीज़ें हराम हैं, शराब पीने में जुआबाजी में अगर है तो हमारा माल कहाँ खर्च हो रहा है जी, वहाँ नहीं खर्च हो रहा है, गलत रास्ते में खर्च रहा है, और गलत रास्ते में खर्च करने वाला फजूल खर्च करने वाला शैतान का भाई करार दिया गया कुरान, अल्लाह ने क्या कुरान में जो फजूल खर्ची, अब ये सारे फजूल खर्ची हैं, हमारे पास माल आया लेकिन हमें खर्च करने का कहा बेवाओं का खास तौर से ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बेवा औरत मोहताज होती है, हर चीज मोहताज होती है, तो इसलिए हमें चाहिए कि बेवा अल्लाह के नबी को देखिए आपने बेवाओं का कैसा बोझ उठाते थे, कैसा देख रेख करते थे, उसी तरीके वो चीजें हमारे अंदर आज महफूज हो गई, खत्म हो चुकी है जी, नापेद हो चुकी है,
हम क्या करते हैं, हमें बड़े बन गए या शायद अपना अपना देह, वो चौली हिस्सा है। जबकि होना ये चाहिए था एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान कुछ हुकूक हैं, उनमें से एक ये भी आता है कि कोई बेवा अगर भूखी है, उसके पास दौलत नहीं, कुछ भी नहीं, उसको कुछ जरूरत है कपड़े के, पानी की, राशन की, खाने की, दाल चावल जो भी जरूरत है उसको सब ये मुहैया करना मुसलमान का काम है। और आज गैर लोग काम कर रहे हैं, इनमें सो के भाया है इनमें सो के। ऐसा भी हो सकता है सब बीवी डाउट करती किसी, तो बेवा को मदद करे तो कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ हुआ सो है ऐसा एक बार, नहीं बीवी को डाउट करने की जरूरत है, उसे कहीं को ताउन देना बार बार, उसे कहीं को ये करना। हालांकि मेरे से वो 15-20 साल के बहुत बड़े हैं, तो मेरे साथ चला सो ऐसे बख्शन चले मेरे साथ, उसे कहीं को मदद करना दूसरे नहीं क्या ऐसा दूसरे भाभी फेस कर रहे शायद, समझ लो। नहीं नहीं ये गलत फहमी है, अगर कोई किसी बेवा की आप खिदमत करना चाहते हैं पैसा या दौलत किसी भी जरिए से, जी गले के जरिए से किसी भी जरिए से आप मदद करना चाहते हैं, तो ये गलत फहमी होती है। अगर उसको शक है, शक है, शक नहीं होना चाहिए पहली बार, क्योंकि शक नहीं करना चाहिए। जब आप बीवी अपने शौहर पे शक करेगी तो फिर काम नहीं बनेगा, इसलिए शक करने की जरूरत नहीं है। और सबसे पहली बात क्या है, शक क्यों होता है, लोगों गलत फहमी हो जाती है। हाँ मिसाल देता हूँ, एक आदमी ऐसे था बेचारा, अब वो पानी भर रहा था, तो पानी जब भरा था तो लाहौला वाला कोतला मिला, पढ़ना जायज, आप कभी पढ़ सकते हैं, जन्नत के खजाने में से खजाना आ गया है ना, लाहौला वाला कोतला इल्ला बिल्ला। अब सामने एक आदमी खड़ा था, वो क्या सोचा कि मुझको जो है मैं क्या शैतान लगता हूँ। देखिए गलत फहमी जैसे कैसे इंसान को होती है, देखिए क्या मैं शैतान लगता हूँ क्या? नहीं भाई, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जन्नत के खजानों में से खजाना है, मैं तुमको देख कर लाहौला को तो नहीं पढ़ता हूँ, मैं जब भी आता जाऊँ रस्ते पूरे रस्ते में एक पढ़ता हूँ। अब कैसी गलत फहमी इसको हुई दूर, जब बताएंगे तभी। तो हमें बताना अपनी औरतों को, अपनी बीवी को कि मैं ऐसा नहीं करता, क्या भी गलत काम नहीं, ये इस्लाम का कानून है, इस्लाम में उनका हक होता है, इसलिए हम उनका हक दे रहे हैं, इसमें शक करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको शक जरूरत शक है बीवी से बोलो ठीक है मेरे साथ चलो, चलो देख लो, अगर कुछ मैं गलत काम करता हूँ तो पकड़ो, अल्हम्दुलिल्लाह खत्म, कुछ भी शक करने की जरूरत नहीं है इसमें जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए हमें बेवाओं का ख्याल रखना चाहिए इंशाल्लाह। हाँ खुसूसन इस दौर में कैसा है, आदमी पैसा कमाता है, इधर खर्च करता उधर खर्च करता, जहाँ खर्च करना चाहिए वहीं खर्च करता है जी। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान के पास पैसे बहुत हैं जी, बहुत हैं, लेकिन खर्च कहाँ करना है, बेवा और मिस्कीन पर खर्च करना चाहिए, फुकरा पर खर्च करना चाहिए जी जी। तो इसलिए हमें बेवाओं का ख्याल रखना चाहिए। जमात और जमीयत के जो जिम्मेदार हैं उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा कि जो बेवा हैं उनकी लिस्ट बना लें, बाकायदा लिस्ट बना करके बाकायदा नामा लिख लें, घर का नंबर लिख लें, दरवाजा भी डोर नंबर लिख लें, और उनके घर तक बगैर बताए। हमारे यूट्यूब में डिस्क्रिप्शन में एक तीन दो चार भी बेवाओं की वीडियोस के लिंक और फोन नंबर्स भी देखो है, चाहे तो साथ आप मदद कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे पास तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी लिस्ट है बेवाओं की, अगर 6 स्टेट में आई थी। हाँ बात सही है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जमात जमीयत का नहीं जरूरत नहीं कि इसमें जमात जमीयत का इंतजार करना चाहिए, खुद अपना आगे बढ़ के आना चाहिए, आपका अलग काम है, आपको सवाब मिलेगा जी जी। बेवाओं का करने का बहुत सवाब है, अब रात भर कायम करने रोजा रखने के बराबर सवाब है, एक जिहाद करने उसके बराबर सवाब है, तो इसलिए पीछे नहीं हटना। हमें क्या सोचते हैं पैसा कमाया तो हमारा है, हमें खाना, दूसरा कौन भी नहीं खाना, सोचा और मुसलमान में गलत फहमी पैसा कमाना हमें खाना कहीं भी दूसरे को देना, कहीं भी दूसरे को देना भाई, कहीं को बेवाओं का देना, कहीं मुश्किल को देना भाई, कमाता कौन है, इंसान एक कोशिश करता है जी, इंसान एक कोशिश करता है जी, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला, अगर अल्लाह रोजी रोक दे पैसा ना दे तो इंसान मेहनत करके बेकार हो जाएगा उसका। सही है, अब एक आदमी रहता 100 रुपया कमाता है, एक आदमी 10,000 कमाता है, सही अल्लाह रिस्क देने वाला। तो ये हमें गलत फहमी सोचना चाहिए कि हमें कमाए तो अकेले खाना, नहीं नहीं, अगर ऐसी सोच होती तो इस्लाम नहीं फैलता। सही, इसकी मिसाल सहाबी करम की ले दीजिए, उस्मान गनी बहुत मालदार सहाबी थे जी, सोने सिक्के
आदमी उनके नाम से मक्के में अकाउंट चल रहा है। हाँ उस्मान, उस्मान गनी के नाम से अकाउंट चल रहा था। कुआं भी कुछ दिलाए थे, कुआं का पानी खरीद के आजाद किए थे, इतना बड़ा काम किए थे। हमें क्या कर रहे हैं, हमें जो ख्वाहिश हुई है हमारे काम जैन बुद्ध लोग कर रहे हैं, दूसरे गायब कर रहे हैं। उन लोग का शॉर्ट टैंक बिठाते, मैं बचपन से देख रहा हूँ। जैन पियूष, जैन गणेश नमा, ओ पियूष, ये पियूष, ऐसा कुछ नामा से वो लोग के भोसी जगह वाटर के। हमें क्या कर रहे हैं जी, जी, जी। जो इस्लाम से था उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं जी, जी, जी। हमें गैरों का जो है लेकर के फॉलो कर रहे हैं जी, जी। इस्लाम जो कहता है उसको फॉलो करना चाहिए जी, जी, जी। अब इस्लाम क्या कहता है, ब्याहों का ख्याल रखो जी, हमें ख्याल नहीं रखते सही है, हमें सोचते अपना कमाना अपना खाना, नहीं ये गलत सोच है, शैतानी सोच है। और शैतान हमेशा रोकता है, आपको रोकेगा, आप माल कमाइए। बनाने पड़ेगा इंसान है, इंसान दुनिया पर बनाने पड़ेगा। आप सब क्या बोलते हो, आज पैसा है कल नहीं रहता, आज पैसा है कल नहीं रहता, पैसा हो आज आप जवान है कल जवान नहीं रहते, आज सेहत है तंदुरुस्ती है कल सेहत तंदुरुस्ती आपको नहीं रहती, कोई गारंटी नहीं है कब क्या हो जाए एक मिनट में, अल्लाह क्या करते हैं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो भी पैसा दौलत हम कमाएं तो उसमें कुछ हिस्सा विवाहों को भी दे दें, उनका भी हक सही है। सही, तो इसलिए हमें इसका ख्याल रखना चाहिए जी। अल्लाह ताला हम सबों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और ब्याहों के हकूक का अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। शुक्रिया जनाब, जज़ाकअल्लाह।